Hello, my dear friends. A very good morning to all of you. Welcome to Online Ventures by Example. मैं हूं जुबैर एहसानी और आज हम लोग किंगडम फंजाई की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि विटेकर साहब ने होल लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, संपूर्ण सजीव जगत को 5 किंगडम में, 5 जगतों में विभाजित किया था। पहला था किंगडम मोनेरा, फिर दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था फंजाई, फोर्थ किंगडम इज योर किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम, और फिफ्थ किंगडम था आपका किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम, है ना। तो एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई और फिर नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। सो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। सो आज हम लोग कवक जगत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस बीच हमारे साथ नीलेश कुमार हैं, हर्षित सक्सेना हैं, अस्मिता शुक्ला हैं, सुमेध हैं, इति शर्मा, जसप्रीत सिंह हैं हमारे साथ, रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम, प्रशांत सिंह हैं, अनु शर्मा हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो अरज रस्तोगी भी हमारे साथ हैं, अनु शर्मा भी हमारे साथ हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। तो किंगडम फंजाई में ऐसे जंतुओं को रखा गया है, सॉरी ऐसे जीवों को रखा गया है जिसमें के क्लोरोफिल नहीं होते। अगर क्लोरोफिल होता तो ये किंगडम प्लांटी में आ जाता, सो ये क्लोरोफिल इसमें नहीं है। अब जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये सब के सब हेटरोट्रॉफिक होंगे, परपोषी होंगे। अब यहां से देखिए एमसीक्यू बनेगा, और कितने तरह का एमसीक्यू बनेगा वो देखना, ध्यान से सुनना बाद में। बीच बीच में मैंने एमसीक्यूज भी डाल रखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। अब हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं, परपोषी वो होते हैं। हेटरोट्रॉफिक जीव वो होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, पर फूड के आधार पर हेटरोट्रॉफिक जीवों को बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि वो हेटरोट्रॉफिक, वो परपोषी जीव जो घास फूस खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। जो मांस खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स या कार्निवोरस। और जो सब कुछ खा जाते हैं, मतलब प्लांट भी खा जाते हैं, एनिमल्स को भी खा जाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स। जो सब कुछ खा जाते हैं, पौधा भी और जंतुओं को भी खा जाते हैं, है ना, ओमनीवोर्स। वो जीव जो दूसरों के शरीर में रहते हैं उससे खुद फायदा उठाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो खून चूसते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंग्वीवोरस। जैसे कि आपका लीच हो गया, जैसे आपका मच्छर हो गया, जो खून चूस कर खाते हैं, अपना भोजन लेते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के होते हैं, तो कवक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन हेटरोट्रॉफिक में भी कैसा होगा, हर्बीवोरस होगा, कार्निवोरस होगा, ओमनीवोरस होगा, पैरासाइटिक होगा, सैंग्वीवोरस होगा, कैसा होगा। तो हेटरोट्रॉफिक में भी इसकी कुछ जातियां सेप्रोफाइटिक और कुछ जातियां पैरासाइटिक होंगी। क्या होंगी, कुछ तो सेप्रोफाइटिक होंगी और कुछ जो होंगी वो पैरासाइटिक होंगी, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। अब पैरासाइटिक तो आपको पता ही है, परजीवी वो जीव होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं, वो जीव जो जिस थाली में खाते हैं, वो जीव जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, अपने बोलचाल में मैं आपको बता दे रहा हूं, उसी में छेद करते हैं। ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं, जैसे जैसे जीवाणु हो गया, जैसे कि विषाणु हो गया,
जैसे के प्रोटोजोन्स हो गए, जैसे के फंगस हो गया, जैसे के हेलमिंथ्स हो गए, ये सब के सब क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, पैरासाइट्स। लेकिन ये सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। वो जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। तो आपने फंगस को देखा होगा कि जहां पर कोई चीज डेड और डिकम्पोज हो रही होगी वहां पे ये फंगस उगाएंगे। तो इसकी कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, ज्यादातर प्रजातियां, कुछ नहीं, ज्यादातर प्रजातियां सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं और कुछ प्रजातियां पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। पैरासाइट होते हैं जो एनिमल्स में और प्लांट्स में मतलब डिजीज क्रिएट करेंगे, जैसे अस्थमा फंगस से होता है, रिंगवर्म फंगस से होता है, स्कैबीज फंगस से होता है, एथलीट फूट फंगस से होता है। तो इसकी कुछ प्रजातियां पैरासाइटिक होती हैं और कुछ प्रजातियां सेप्रोफाइटिक होती हैं। तो अगर देखो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, सीरियस में पूछा गया क्वेश्चन, फिर इसको चुरा कर सीजीएल में रखा गया, लेकिन सबसे पहले इसको पीएमटीज में पूछा गया था, AIPMT का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि फंजाई आर, फंजाई प्लुरल हो गया, अगर मैं फंगस लिख देता हूं तो फंगस का मतलब हो गया सिंगुलर, है ना। तो एक एक अगर हम फंगस की बात करें तो उसको फंगस बोलेंगे, ग्रुप की बात करेंगे तो फंजाई बोलेंगे। तो फंजाई होते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक बोथ नन। अब उत्तर बोलो अपना अपना, उत्तर बोलना। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, नीता नितिन राणा कह रहे हैं, शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों ने ही इस लायक बनाया है कि मैं अच्छा पढ़ा सकूं, और ये हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है जिसने हमें अच्छा पढ़ाया, है ना। तो मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। सो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, एब्सोल्यूट राइट, बोथ। लेकिन सपोज करो ऑप्शन में बोथ नहीं है, ऑप्शन में बोथ नहीं है, ऑप्शन में बोथ नहीं है, मैंने दो और दे दिया। अब किसी एक को प्रायोरिटी देनी है आपको, पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक, है ना, कार्निवोरस, कार्निवोर्स, सैंग्विवोर्स, आप बताओ। अब दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी है कि फंगस होते हैं सेप्रोफाइटिक भी होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं, कार्निवोर्स नहीं होते, सैंग्विवोर्स नहीं होते, सैंग्विवोर्स होते हैं जो खून चूसते हैं, जैसे मादा मच्छर खून चूसती है, मेल मच्छर तो चूसता नहीं है। तो अब हम सेप्रोफाइट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि कवक की ज्यादातर प्रजातियां सेप्रोफाइटिक होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां इसकी पैरासाइटिक होती हैं जो पौधों में और जंतुओं में बीमारियां फैलाते हैं। ज्यादातर प्रजातियां सेप्रोफाइटिक होती हैं। अब क्वेश्चन का दूसरा रूप देखो, यहीं से देखो दूसरा रूप। ये पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था, आप AIPMT का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो मिल जाएगा। ऑल फंजाई आर, यही क्वेश्चन था, ऑल फंजाई आर। देखो फंजाई लिखा तो आर लगाया क्योंकि फंजाई क्या है, प्लूरल है, एक को लिखेंगे तो फंगस लिखेंगे ना। ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक और एक मैं दे दे रहा हूं, कुछ भी ऑप्शन में डाल देता हूं, जैसे हर्बीवोरस, बताओ। अब उत्तर बताओ, AK वर्मा साहब बताओ, कामिनी
जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है कामिनी आपका। सो ऑल फंजाई की अगर हम बात करें, सारे के सारे फंगस क्या हैं, देन योर आंसर शुड बी हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। अगर हम सभी फंगस की बात करें तो सारे के सारे फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं। उनमें से कुछ जातियां सेप्रोफाइटिक होती हैं और कुछ प्रजातियां पैरासाइटिक होती हैं। सत्यम यू आर राइट, वेरी गुड। अरज यू आर राइट, एब्सोल्यूट राइट। एके वर्मा, प्रशांत सिंह साहब, वेरी गुड। सोनम, गुड मॉर्निंग। अभिजीत इज ऑल्सो सिंग हेटरोट्रॉफिक शुड बी द राइट ऑप्शन। तो बारीकियां समझ में आ गई। अब क्या होता है, देखो मैंने बोला कि जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, यानी चीजों को ये सड़ा गला देंगे। मतलब एनिमल्स की डेथ होगी, प्लांट्स की डेथ होगी। जैसे आप एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की कल्पना कीजिए, है ना, जंगल पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो हाँ, एनिमल्स मर रहे हैं, जंतु मर रहे हैं। तो अब इन एनिमल्स को और जंतु को डिकम्पोज करके क्या करेंगे, सॉइल में मिला देंगे। सो इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। तेज कुमार, गुड मॉर्निंग, लेट से जुड़े हैं आप, वक्त पे जुड़ा करिए। तो ये तो हो गई इनकी बारीकियां, है ना, और इसके अलग अलग पहलू जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ अब स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन बता दो। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, टेल मी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है, टेल मी। अभिजीत, तेज, प्रशांत, इति, अभिजीत, सोनम, एके वर्मा, अरज, सत्यम, अनु शर्मा, सुमेध, बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज, देन योर आंसर शुड बी माइकोलॉजी। अभिजीत, यू आर राइट। नहीं, फाइकोलॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ एल्गी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। लेकिन एक होता है मायोलॉजी, जो आपको कंफ्यूज कर देगा, देखना थोड़ा सा बारीक सा उत्तर है, मतलब अंतर है माइकोलॉजी और यहां पे है मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब किसी को पता है? अरज, यू आर राइट, वेरी गुड। माइकोलॉजी, MYCO नॉट MICO। सुमेध, एब्सोल्यूट राइट। इति, वेरी गुड, कीप इट अप। सत्यम इज ऑल्सो सिंग माइकोलॉजी विल बी द राइट ऑप्शन, और सही उच्चारण है माइकोलॉजी। वैसे मैं माइकोलॉजी बोल देता हूँ लेकिन सही उच्चारण है माइकोलॉजी, बायोलॉजी, है ना। पर आप लोगों से बातचीत करने के दौरान आप लोग जिस भाषा में बात करते हैं मैं भी उसी अंदाज में बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कभी कभी वो आ जाते हैं, कभी उर्दू के वर्ड्स आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं। मायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का या पेशियों का या पेशी उत्तक का, जो भी कह लो, अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। हाँ, कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो गई, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। चलो ये हो गया स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द ऑनर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी निम्नलिखित में से किसे बोलते हैं? तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, अगर नहीं भी आ रहा है आपको तो बस आप गेस करिए, देखते हैं किसका मतलब गेस सही हो पाता है। आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि ये रटने वाली चीजें अक्सर गलत हो जाया करती हैं, तो उसको याद करना पड़ेगा आपको। बता दो जरा, स्टैनले, बॉर्डन, डी बैरी, माइकल, देखते हैं किसका तुक्का सही होता है। किंग स्टाइलिंग, हेलो, कैसे हैं? डी बैरी सही उत्तर होगा, है ना, इसको याद रख लीजिए। अच्छा देखो, यही क्वेश्चन था, ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज, है ना, ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज, ये था PMT का क्वेश्चन था ना, AIPMT जो होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट।
उसी को आप लोगों के में बस बदल के रख दिया था, ऑल फंजाई आर, है ना, ऑल फंजाई आर, तो सही उत्तर हो जाएगा हेटरोट्रॉप्स, ऑल फंजाई आर, तुक्का गलत ही होता है। चलिए, ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉप्स, है ना। तो ये पीएमटी था और इसको बस ये आपके एग्जाम में जब पूछा तो ऐसे लैंग्वेज कर दिया, ऑल फंजाई, ऑल फंजाई आर, बस ये बस कर दिया, बाकी ऑप्शन वगैरह सही था। एग्जाम्पल पे आते हैं, पहला जो फंगस है, पहला फंगस है आपका ईस्ट, जिसको हम खमीर कहते हैं। ये कैसा फंगस है, तो ये यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक होता है ये। तो पहला क्वेश्चन तो यही लोगों को पता नहीं रहता है कि ईस्ट है क्या, ईस्ट बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोवा है, फंगस है, तो बोलिएगा ईस्ट एक फंगस है, कैसा है, तो एक कोशिकीय फंगस है। और ये बात याद रखिएगा, इसमें बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बी बोले तो बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, है ना, B5, B6, B7, B9, B12। क्या कोई बता सकता है कि B7 का और B9 का केमिकल नेम, इन सब का तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, B12 का भी केमिकल नेम पढ़ा चुका हूँ, B7 का जो केमिकल नेम होता है वो बायोटीन होता है, हेयर फॉल इसी की कमी से होता है, और B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। सारे के सारे जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपको ईस्ट से मिल जाएंगे। ईस्ट का जो इस्तेमाल है वो बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, मतलब ब्रेड बनाने वाले कारखाने में करते हैं। ईस्ट का देखो पाउडर मिलता है अलग अलग फ्लेवर में, जैसे फॉर केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड एंड बिस्किट्स, है ना, ये ईस्ट का पाउडर है, एक्टिव ड्राई ईस्ट लिखा हुआ है ना, एक्टिव ड्राई ईस्ट होता है, सुबाला और अलग अलग कंपनियों का आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ईस्ट का पाउडर है उसको आटे को जब गूंधेंगे तो इसमें डाल देंगे और छोड़ देंगे इसको। तो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होने की वजह से बहुत जल्दी अपनी संख्या क्या करेगा, ग्रो करेगा, बहुत जल्दी अपनी संख्या ग्रो करेगा और फिर रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 के बबल्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, CO2 के बबल्स जहां जहां से निकलेंगे वहां पर ये पोर्स आपको दिखेगा। तो जो ब्रेड में आप पोर्स देखते हैं ना वो इन्हीं की वजह से दिखाई देता है आपको। ये यूनिसेलुलर है, देखो ये है ईस्ट आपका, ईस्ट को अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से तो कुछ ऐसा ईस्ट आपको दिखेगा इस तरह का, और अगर ये बडिंग कर रहा है तो बड अगर इसमें बना हुआ है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है आपका बड, है ना, तो ये आपका ईस्ट हो गया। तो इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने वाले कारखाने में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब शराब बनाने में भी किया जाता है। अल्कोहल बनाने में शराब कैसे बनाएंगे, तो शराब हम ऐसे बनाएंगे कि शराब हम कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, शुगर ले लिया, शर्करा, और उस पर हम ईस्ट डाल देंगे, तो ईस्ट क्या करेगा, इस शुगर को बना देगा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जब भी मैं अल्कोहल सिर्फ लिखता हूं इसका मतलब है कि मैं इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा हूं। इथाइल अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इसका IUPAC नेम इथेनॉल होता है, एंड दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H5OH। और इस घटना को हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन, सबको पता होगा, कई बार पढ़ा चुका हूं पहले। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो खमीर की सहायता से शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है फर्मेंटेशन, और यही एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। याद आ रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन मैंने पढ़ा था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्या होता है, शुगर जो है वो, मतलब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ईस्ट में ऐसा क्या होता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बता दो ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है,
ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बता दो। 10+2 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, बहुत अच्छी बात है। आटे का फूलना, बिल्कुल सही है सुमित, आटे का जो फूल फूलता है वो ईस्ट की वजह से होता है। सो ईस्ट में ऐसा क्या होता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो ईस्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है जाइमेज। ये जो जाइमेज नामक एंजाइम है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको याद रखना, कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शर्करा का खमीर की सहायता से अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है और एक जाइमेज के हेल्प से ये होता है। केमिस्ट्री की क्लास कब कराओगे आप? बायो एंड फिजिक्स की तो बहुत क्लास मैंने देखी है। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री भी ला रहा हूँ जल्दी। जाइमेज ओनली, अभिजीत वेरी गुड। सर चोट घाव जल्दी नहीं भरते, किसकी कमी से? चोट घाव नहीं भर रहा है तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी लीजिए, हीलिंग को प्रमोट करता है विटामिन सी, पढ़ाया था विटामिन में। अच्छा मशरूम दूसरा एग्जांपल है, देखो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं किसका, फंगस के एग्जांपल देख रहे हैं। दूसरा आपका मशरूम, कितने लोगों को पता नहीं होता है कि मशरूम है क्या, तो याद रखिएगा मशरूम क्या है, फंगस है, कवक है। हिंदी में इसको मशरूम बोलते हैं या छतरक कहते हैं या कुकुरमुत्ता कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं। इसमें काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इसकी जो कुछ जातियां हैं वो एडेबल होती हैं, खाने योग्य होती हैं। सो बड़े पैमाने पर मशरूम वगैरह की खेतियां की जाती हैं और इसके डिशेज वगैरह काफी महंगे मिलते हैं, तो इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण और ये एडेबल होने के कारण काफी बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। ये देखिए मशरूम है, इसके लोग सब्जियां बनाते हैं, ये डिशेस बना के रखा हुआ है। कहीं पर भी कोई चीज सड़ गल रही होगी यहाँ पे ये उगाएगा इस तरह से, छत्ता, मेंढक का छतरी या सांप की छतरी भी से बच्चे लोग बोलते हैं ना। व्हाइट कलर का है, देखिए क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये अपना खाना नहीं बना सकता, व्हाइटिश कलर का है। देखिए यहाँ पे डेड और डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे अपने आप ये उगाएगा, तो ये होता है कुकुरमुत्ता। और डिश भी देखिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है मशरूम, लेकिन मशरूम की कुछ जातियां काफी पॉइजनस हो सकती हैं, खाते ही पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप गांव चले गए और कुकुरमुत्ता इकट्ठा करके उसका सूप बना लिया, अगर वो पॉइजनस रहा तो आपकी जान भी ले सकता है। तो जिन लोगों को इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसको परख होती है, समझ होती है, वो लोग ऐसा करें तो कोई बात नहीं। तो पहला मैंने जो दिखाया है वो फंगस है, वो ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये तो यूनिसेलुलर है नहीं, मल्टीसेलुलर है, गांव में बहुत है, एक ही वर्मा, चलिए अच्छा है। अब एक होता है राइजोपस, राइजोपस को हम ब्रेड मॉल्ड कहते हैं, इसको ब्रेड मॉल्ड कहते हैं क्योंकि जनरली ये ब्रेड पर ही उगता है। अगर आप ब्रेड को कुछ दिनों तक ऐसे छोड़ देंगे तो देखा होगा इस पर ग्रीनिश स्पंजी लेयर डेवलप हो जाएगा, वो राइजोपस है। ये राइजोपस एक फंगस होता है, देखो राइजोपस क्या करेगा, ये अपनी जड़ जैसी संरचना जिसको राइजोइड कहते हैं वो यहाँ पे ब्रेड में जमा लेगा। उसके बाद इस तरह से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाइफा कहते हैं। और फिर क्या होगा, इसमें ये फ्रूट लाइक बॉडीज बननी चालू हो जाएंगी। ये देख रहे हो, ये हाइफा है, ये सब क्या है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी संरचना है, वो हाइफा है, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम राइजोइड कह रहे हैं। फिर इससे फ्रूट लाइक बॉडी ओरिजिनेट करेगी, इसको स्पोरेंजियम कहेंगे, क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम में सीड जैसी संरचनाएं विकसित होंगी, इन सीड जैसी संरचनाओं को हम स्पोर्स कहेंगे, बीजाणु कहेंगे। फिर ये जब
फुल्ली मेच्योर होंगी तो ये बर्स्ट करेगा और स्पोर्ट्स जो है वो हवा में बिखर जाएंगे, और इस हवा से होता हुआ फिर अगर आसपास कोई चीज है तो उस पर क्या होगा, उगाएगा, जैसे कि ब्रेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फंगस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम हाइफा कहते हैं, और जो फ्रूट लाइक बॉडीज होती हैं उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, उसके अंदर जो सीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको स्पोर कहते हैं, और ये जो बॉडी है, ये जो डंठल जैसी संरचना है जो स्पोरेंजियम को मतलब सपोर्ट कर रही है, उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर। तो ये है किसका, राइजोपस का स्ट्रक्चर, राइजोपस का स्ट्रक्चर है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, ब्रेड में स्मेल भी इसी की वजह से आएगी, सड़ने के बाद जो खराब स्मेल है। शुरुआत में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, वो जो है वो ईस्ट की वजह से आती है, ईस्ट ने उसको फुला दिया और उसको एक अलग फ्लेवर दे दिया। लेकिन जब सड़ने के बाद जो आएगी स्मेल वो इन्हीं की वजह से आएगी, राइजोपस। तो राइजोपस जनरली क्या होता है, पूरा नाम होता है राइजोपस स्टोलोनिफर, राइजोपस स्टोलोनिफर पूरा नाम इसका ये होता है। लेकिन आप सिर्फ राइजोपस याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं। इसको ब्रेड मॉल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली ये ब्रेड पर होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है इसे पिंक मॉल्ड भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है। जो मतलब जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अनुवांशिकी के जो प्रयोग होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोस्पोरा क्रैसा पूरा नाम होता है। पेनिसिलियम बताने की जरूरत नहीं है कि इसके द्वारा एक फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाला गया था जिसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। क्या नाम रखा गया? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का नाम रखा गया पेनिसिलिन। तो देखो, पेनिसिलियम एक कवक है, इस कवक से एक एंटीबायोटिक निकाला गया जिसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, और इसको निकालने वाले थे कौन? तो फ्लेमिंग साहब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, है ना। हाँ, फंगी लगना इसी को कहते हैं ना, वो फंगस लग जाता है जिसको फफूंद भी बोलते हैं, इसको फफूंद लग जाना। तो फफूंद क्या होता है? ये फंगस ही होता है ना, बोलते हैं ना कि फफूंद लग गया, अचार वगैरह उसके ऊपर देखिएगा फफूंद जैसा लग जाता है, मतलब रुई रुई जैसा लग जाता है, वही फंगस है, फफूंद है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ फंजाई आर नोन एज, कवक में जो धागे जैसी संरचना होती है उसे हम कहते हैं कोनेडिया माइकोराइजा स्पोरेंजियम हाइफा। काई तो अलग होता है, काई जो है अरज, वो मतलब क्या है, वो एल्गी होती है। जैसे ये मान लिया कि आपका ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है, इसके आसपास ये जो काई लग गई है ग्रीन ग्रीन सा, ये आपका एल्गी होता है, एल्गी शैवाल, इसी को काई कहते हैं, है ना, ये ग्रीन होता है। लेकिन जो फफूंद जो लगता है ना, वो फंगस होता है। फफूंद नहीं देखा है कभी क्या? ब्रेड को छोड़ दीजिए एक सप्ताह तक, दिख जाएगा आपको फफूंद। सही उत्तर क्या होगा बोलो? तो मैंने बोला कि ये जो फंगस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफा कहते हैं। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज योर हाइफा, दैट इज दी शुड बी द राइट आंसर। अस्मिता शुक्ला का बस उत्तर आया। स्पोरेंजियम किसको बोलेंगे? अब इस हाइफा से जो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको स्पोरेंजियम बोलेंगे। ये रचना हाइफा कहलाती है, इसके अंदर जो सीड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको स्पोर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? स्पोर कहेंगे। सो राइट आंसर शुड बी योर बी। ये आपका पेनिसिलियम, देखो पेनिसिलियम का ये पूरा नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक फंगस है जिससे निकाला गया था पेनिसिलिन। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, निकालने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये देखो, ये इसका हाइफा है, इसमें कोनिडियोफोर कहलाता है। ये इसमें जो फ्रूट लाइक बॉडी बनता है वो चेन में बनता है, जिसको कोनिडिया कहते हैं।
एक को सिंगल को क्या बोलेंगे, कोनिडियम। ठीक है, अब आ जाइए बहुत सारा और भी फंगस। फंगस नंबर 6 है एस्परजिलस नाइगर, एक फंगस है जिससे सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। मैंने बोला कि ईस्ट, ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने में या ब्रेड बनाने में, तो ईस्ट की एक खास प्रजाति होती है। ईस्ट का एक खास प्रजाति है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। इसी को लोग हम क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट या बेकर ईस्ट। इसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में या ब्रेड बनाने वाले कारखाने में किया जाता है। फंगस नंबर 8 देखिए, एक फंगस होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसके द्वारा हम एक औषधि प्राप्त करते हैं, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन नाम की एक ड्रग है, एक औषधि है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में, कब, जब ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जैसे किसी का किडनी किसी और की बॉडी में लगाना, तो किसी दूसरे आदमी का किडनी किसी दूसरे आदमी के शरीर में लगाते हैं तो उसका शरीर उस दूसरे के ऑर्गेन को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है ना। मतलब तमाशा है क्या कि किसी का भी लाके लगा दोगे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है ये क्या वाहियात बात है, दूसरे का ऑर्गेन हमारी बॉडी में, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे समय पे डॉक्टर्स कुछ दवा का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देने वाला, दबा देने वाली दवाई है ना। तो डॉक्टर क्या करेगा कि आपकी बॉडी में साइक्लोस्पोरिन डाल देगा, आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, दब जाएगा, काम करना कम कर देगा, और तब आपकी बॉडी को समझ नहीं आएगा ज्यादा, दूसरे का अंग लगा दिया जाएगा और फिर गलत फहमी में क्या करेगा, उस अंग को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक उसी प्रकार एक और फंगस होता है जिसका नाम होता है मोनेस्कस परप्यूरियस, जिससे एक और औषधि प्राप्त की जाती है, स्टैटिन्स नाम की दवाएं, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। क्या करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब के सब आपके 12th क्लास की बायोलॉजी में मेंशन्ड है। एक क्वेश्चन होता है कि एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला एक विषैला केमिकल है, वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा। निमेटोड समझते हैं ना, एस्केल्मेंथिस, एस्केल्मेंथिस, राउंड वर्म को निमेटोड भी कहते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन एक केमिकल है जो मतलब फंजाई के द्वारा निकाली जाती है, जो कैंसरस होती है, ये कैंसर उत्पन्न करने का काम करती है, कार्सिनोजेनिक है ये। तो एफ्लाटॉक्सिन नाम का विषैला पदार्थ जो है वो कवकों के द्वारा ही स्रावित होता है, इस बात को आपको रखना है याद। बिल्कुल सही है सबका उत्तर, गेस कर लिया कि फंगस पढ़ा रहे हैं तो उत्तर फंगस ही होगा, है ना। आप देखिए सुमित ने तो लिख भी दिया यही होगा, बिल्कुल सही दिमाग लगाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। सेल वॉल ऑफ फंजाइज मेड अप ऑफ, कवकों का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, ये भी पहले AIPMT में पूछा गया है, फिर आपके एग्जाम से में पूछा गया। काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन, जल्दी बताइए। कामिनी, AK वर्मा, अभिजीत, बिल्कुल काइटिन का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। लेकिन फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। सारे लोगों का सही उत्तर है, पढ़ा रखा है इसको मैंने साइटोलॉजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, बताइए कौन एक खाने वाला फंजाई है, वो फंगस जिसे हम खा सकते हैं, म्यूकर, पेनिसिलियम, एगारिकस, राइजोपस। राइजोपस तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ब्रेड मॉल्ड है, ब्रेड को सड़ाता है, तो इसको हम लोग खाएंगे कैसे,
कई लोग ये सोच लेंगे अच्छा राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, इसका मतलब यही तो खाने वाला नहीं है। पेनिसिलियम से प्रथम एंटीबायोटिक मिल रहा है, म्यूकर आपको पता ही है कि ये खाने योग्य फंगस नहीं है, तो यह है एगारिकस, यही है मशरूम। मशरूम को हम एगारिकस भी कहते हैं, एगारिकस। सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन, ये वाला ये जो फंगस है, ये मशरूम को हम एगारिकस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। बिल्कुल सही है, मोहित भट्ट, अरज रस्तोगी, अनु, अभिजीत, अभिषेक, मोहित, सुमेध, क्या बात है, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। नाउ सेप्रोबायोटिक्स एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंडेड, ये भी पीएमटी का क्वेश्चन है, फिर आपके एग्जाम्स में चुरा कर रखा गया। इसका जो सही उत्तर देगा उसको मैं इनाम दूंगा। चलो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोबायोटिक भी कहते हैं ना, सेप्रोफायोटिक, सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी एंड परजीवी पोषण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, एएनसी। तो सही उत्तर होगा आपका एएनसी। देखो बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं, दोनों ही क्या है, परपोषी हैं, लेकिन ये सेप्रोफाइटिक भी होती हैं। बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइटिक होगा और पैरासाइटिक होगा। आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा, इकोसिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि भाई कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स अपघटक जानते हैं ना, प्रोड्यूसर, देखो प्रोड्यूसर में कौन आता है, प्लांट आता है, उसके बाद कंज्यूमर्स जो इसको खाते हैं, जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, उसमें भी प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टॉप कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर, उसके बाद होता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स वो होते हैं कि पौधा और जंतु जब मरेगा मरेगा तो उसको सड़ा गला देगा। तो डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि होता है फंजाई और बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया। आप लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों का लेवल अब बहुत अच्छा हो गया। सो बोथ ए एंड सी। प्रजापत साहब थैंक यू वेरी मच। हाँ इनाम देखिए क्या लेना है वो आप लोग बोल सकते हैं, उसके लिए तो ऑफिस आना पड़ेगा। अब तो ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं आके इनाम दे दूं। ऑफलाइन में क्या होता था, मैं क्वेश्चन पूछता था और बोलता था कि भाई 100 रुपये वाला डेयरी मिल्क है ना, जो मतलब उत्तर दे देगा उसको 100 रुपये वाला डेयरी मिल्क है ना, अच्छा डेयरी मिल्क मेरा फेवरेट है, तो मैं उसको ला के दे दिया करता था अगले दिन है ना। तो बच्चों को मजा आ जाता था। अब तो ऑनलाइन क्लास में कैसे मैं दूं इनाम बताओ। तो इनाम ये रहेगा कि जब आप लोग सेलेक्ट होके आओगे तब दूंगा मैं आप लोगों को, अब तो है ना। शायरी सुना देते हैं इनाम के बदले में, है ना, इनाम के बदले में, कि जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुमको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, काश तुमको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, और जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगों को छोड़कर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि आदमी बेवफा हो गया। एक शेर है ना कि हम थोड़े से बेवफा क्या हुए कि तुम तो बदचलन हो गए। तो आदमी क्यों बदचलन हो जाता है बेवफाई के बाद, कि जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुमको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, और दूर हम कितने दिनों से हैं कभी गौर किया, दूर हम कितने दिनों से हैं कभी गौर किया, फिर न कहना कि अमानत में खयानत हो जाए, है ना। तो अमानत में खयानत कब होती है, जब लोग दूर चले जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग दूर जाने के बाद भी क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, कि दूर रहकर भी तेरी याद को पूजा मैंने, फिर न कहना मुझे आदाबे वफा याद नहीं, फिर न कहना मुझे आदाबे वफा याद नहीं।
ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक रस्ट होता है, आपने देखा होगा गेहूं का जब पौधा होता है तो गेहूं का जब ये दाने आते हैं उसमें, इस तरह से ये पौधा है गेहूं का, तो इसमें ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है और गेहूं का जो पौधा है ना वो दाने वो खराब कर देता है, इसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट। एक ब्लैक रस्ट एक फंगल डिजीज है जो गेहूं में होता है, वीट में, किसके द्वारा होता है? मजा आ गया शेर सुनकर, बहुत बढ़िया। पक्सिनिया ग्रामिनिस अस्टिलैगो पाइथियम नन ऑफ दीज, ये भी नीट का क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में फिर चुरा के रखा गया। पक्सिनिया ग्रामिनिस है ना, बिल्कुल सही फरमाया आपने, पक्सिनिया ग्रामिनिस नाम का एक फंगस है जो गेहूं के पौधों में ब्लैक रस्ट नाम की बीमारी का कारण बनता है। पक्सिनिया ग्रामिनिस, अभिनव अभी, वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत बहुत खूब, क्या बात है। नाउ सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, अभी बताया था सिट्रिक एसिड जो है वो एस्पर्जिलस नाइगर के द्वारा, पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। रिजर्व फूड ऑफ फंजाई, कवकों का संचित भोजन क्या है, ये भी पढ़ा चुका हूं, कवकों का संचित भोजन कौन सा है, जल्दी बताओ कवकों का संग्रहित भोजन कौन सा है। एस्परजिलस विल बी द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैंने बोला था कि प्लांट्स का रिजर्व फूड होता है स्टार्च, लेकिन एनिमल्स का और फंगस का, याद कीजिए प्लांट न्यूट्रिशन पहली क्लास, ये होता है आपका ग्लाइकोजन, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका डी। तो पौधों का संचित भोजन क्या होता है, स्टार्च, लेकिन जंतुओं का संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन, ये भी AIPMT का क्वेश्चन है, फिर चुराकर आपके एग्जाम्स में रखा गया। नाउ कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, देखना ये भी AIPMT में और फिर ये CDS में क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो PMT का क्वेश्चन है ये, कंबाइंड सॉल्यूशन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया था आपके एग्जाम में, इसका नाम पूछ लिया था कि जो मतलब ये मिक्सचर होता है वो किसका मिश्रण होता है, लेकिन ये क्वेश्चन दरअसल ऐसे था, कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड विच इज यूज्ड एज अ फंजीसाइड, फंजीसाइड वो केमिकल होते हैं जो फंगस को मारने के लिए यूज किया जाता है, तो फंजीसाइड एक केमिकल है जिसमें कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज किया जाता है, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, तो उस सोल्यूशन का नाम था बॉडीएक्स मिक्सचर, क्या नाम था, बॉडीएक्स मिक्सचर, डी है ना ये CDS का क्वेश्चन, ये दरअसल AIPMT में पूछा गया था, मैंने वो पूरा नाम वाम लिखा हुआ था मैंने हटा दिया, क्योंकि आपको लगेगा कि सर पता नहीं नीट का क्वेश्चन करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं CDS के लिए, नीट का क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना, सो मैंने वो सब हटा दिया ताकि आपको लगे नहीं, तो बॉडीएक्स मिक्सचर कहलाता है ये, ठीक है। आप में क्वेश्चन था कि बॉडी एक्स मिक्सचर जो फंजीसाइड के रूप में यूज किया जाता है उस किसका सॉल्यूशन होता है, उलट दिया था क्वेश्चन को, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नाउ फंगस यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, पढ़ा चुका हूं बता दो उत्तर, बिल्कुल सही अभिजीत, अरज, प्रशांत, अभिषेक राज, AK वर्मा, सत्यम, बता दो, अभी बताया था न्यूरोस्पोरा जिसको पिंक मॉल्ड भी कहते हैं, जिसको पिंक मॉल्ड भी कहते हैं, तो मतलब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, म्यूकर का नहीं किया जाता, न्यूरोस्पोरा क्रैसा पूरा नाम होता है इसका। अब आ जाइए लाइकेन पे, लाइकेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और यहीं से हम बायो इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का संबंध जो है वो लाइकन कहलाता है। अब देखना लाइकन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मैंने बना रखा है। लाइकन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, किसी का गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। लाइकन क्या होता है कि जब कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं, एल्गी और फंजाई जब एक साथ रहते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम लाइकन कहते हैं और इनके रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं।
सहजीविता कहते हैं। कॉम्बिनेशन और रिलेशन में अंतर होता है। जैसे मेल और फीमेल शादी के बाद एक साथ रहते हैं, शादी करने के बाद एक साथ रहते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन को कपल बोला जाता है, बोलता है कपल जा रहा है, और उसके रिलेशन को गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन जो भी कहते हैं। बिना शादी के रहते हैं तो उनके रिलेशन को नाम दिया जाता है लिव इन। क्या बोला जाता है? लिव इन। बहुत अच्छा रिलेशन है जिसमें दो लोग एक दूसरे को साथ में रहते हैं और एक दूसरे को परखते हैं कि हमारे लायक है कि नहीं है। अगर उनको लगता है कि हाँ ये हमारे लायक है तो फिर बोलते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं, और अगर नहीं लगता है तो कहते हैं कि हम अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। तो उसी तरह से एल्गी और फंजाई का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइकन कहलाता है, और उसका रिलेशन जो है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा एल्गी के अलावा ये साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, इसमें साइनोबैक्टीरिया और फंजाई भी रिलेशन में रह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये एल्गी और फंगस क्यों साथ रहते हैं। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि एल्गी जो है वो सिर्फ फूड बना सकता है, लेकिन ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि इसमें रूट होता नहीं है। याद कीजिए मैंने थैलोफाइटा पढ़ा रखा है, प्लांट किंगडम पढ़ा रखा है, जो लोग नए हैं वो प्लांट किंगडम को देख लेंगे। तो ये फूड एब्जॉर्ब फूड बना सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, क्योंकि ये हरा होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसमें जड़े नहीं होने की वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सो आपने एल्गी को हमेशा देखा होगा नम स्थानों पर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल है तो काई सा जम जाता है, पानी के ऊपर हरा हरा जो जम जाता है वो एल्गी ही होता है, शैवाल ही होता है। लेकिन अगर कंडीशन ड्राई है, जैसे मान लिया चट्टान है, मरुस्थल है, वहां पे पानी की कमी है, तो एल्गी अकेला जीवित नहीं रह सकता, इसको जरूरत होती है एक पार्टनर की। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, यहाँ पे आशिकी के लिए सनम नहीं चाहिए, जिंदा रहने के लिए सनम चाहिए। तो फंजाई क्या करता है, सॉरी एल्गी क्या करता है, फंजाई के साथ संबंध बनाता है। और कैसा संबंध? ये वाला। क्यों? क्योंकि फंजाई की भी मजबूरी है, फंजाई जो है वो फूड नहीं बना सकता। बताया था इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, अभी पढ़ाया है, लेकिन ये स्पंजी होने की वजह से, थोड़ा रेशेदार होने की वजह से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये वातावरण से फूड एब्जॉर्ब कर सकता है। तो देखो दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ये खाना बना सकता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, खाना नहीं बना सकता। तो दोनों कहते हैं कि चलो हम लोग साथ रह लेते हैं, हम खाना बनाएंगे और तुम पानी लाना। और ये एल्गी जो खाना बनाता है दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई, क्वेश्चन ये हो सकता है कि लाइकन में एल्गी का क्या रोल, या साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसका क्या रोल, तो भोजन बनाना। फंगस का क्या रोल, तो फूड एब्जॉर्ब, सॉरी वाटर एब्जॉर्ब करना। फिर लाइकन में एल्गी और फंजाई के संबंध को क्या नाम दिया जाता है, लिव इन नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, तो नाम है उस संबंध का सिम्बायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सिम्बायोसिस क्या है, तो आप कहेगा कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, प्लस प्लस का साइन है, मतलब दोनों एक दूसरे से फायदा उठाएंगे, और दोनों को हम अलग कर देंगे तो दोनों तड़प तड़प कर, घुट घुट कर मर जाएंगे। ऐसा संबंध सिम्बायोसिस कहलाता है। फंजाई और लाइकन को अलग कर दो, मर जाएगा। लेकिन एक रिलेशन होता है म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, दोनों को अलग कर देंगे, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मस्त रहेंगे। जैसे एक भैंस चर रही है और उस पर कौआ बैठा हुआ है, और आपने कौआ को देखा होगा कि इसकी स्किन से कुछ निकाल निकाल कर खाता रहता है। इससे क्या होता है कि भैंस को क्या फायदा हुआ, कि भैंस की स्किन की गंदगी साफ हो गई और कौए का पेट भर गया। लेकिन कौआ उड़ गया तो भैंस बेहोश होकर गिर जाती है क्या? नहीं, दोनों मस्त रहते हैं। मतलब क्या है कि तू नहीं तो और सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही म्यूचुअलिज्म है।
लेकिन हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, क्या है? सिम्बायोसिस है। तो सिम्बायोसिस के बारे में बस एक ही बात याद रखिएगा, ये आशिकी टू है। आशिकी टू में गाना था हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, इस तरह का गाना नहीं था क्या? तो सिम्बायोसिस क्या है? तो आशिकी टू है। सिम्बायोसिस में दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों मर जाएंगे। मतलब सिम्बायोसिस जो है वो पहले के जमाने की मोहब्बत है, पहले जमाने की आशिकी है, और म्यूचुअलिज्म जो है वो आज के जमाने की आशिकी है, तेरा प्यार हुक्का मार वाला, तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही, है ना? प्रोटो कोऑपरेशन के लिए वो अलग से एक ले लूंगा मैं क्लास, जैसे उसमें म्यूचुअलिज्म बता दूंगा, प्रोटो कोऑपरेशन बता दूंगा, सिम्बायोसिस बता दूंगा, तो वो इंट्रैक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका एक अलग से क्लास ही ले लूंगा मैं, है ना, 12th क्लास में जो है, ठीक है? तो उसका कभी अगर होगा तो अलग से क्लास ले लूंगा, अभी सिर्फ हम सिम्बायोसिस पे फोकस कर रहे हैं। तो यही लिखा मैंने कि कवक और शैवाल के बीच जो सहजीविता का संबंध है ना, वो लाइकन दिखाता है, और लाइकन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और वायु प्रदूषण में भी सिर्फ किसके, ज्यादातर किसको इंडिकेट करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को इंडिकेट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को इंडिकेट करता है। यानी किसी भी एरिया में अगर एयर पोल्यूशन है, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल हवा में बढ़ रहा है, तो क्या होगा पता है? उस एरिया से लाइकन की संख्या डिसअपेयर होने लगेगी, गायब होने लगेगी। जो साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा, इस पर्टिकुलर एरिया में एयर पोल्यूशन है और उसमें भी CSO2 का लेवल बढ़ रहा है। अब देखो, लाइकन कोई लिविंग थिंग है? अगर कोई लिविंग थिंग इकोसिस्टम में होने वाले परिवर्तन को इंडिकेट करता है ना, आपके पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले मतलब चेंजेस को दर्शाता है, इंडिकेट करता है, देन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज व्हाट? बायो इंडिकेटर्स, बायो इंडिकेटर्स, या हम इसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जैव प्रसूचक, जैसे आपका हो गया लाइकन। लाइकन एक बायो इंडिकेटर है ना। तो बायो इंडिकेटर क्या होता है? वो जीव जो क्या करते हैं, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं। अभी उस पे आते हैं, उस स्लाइड पे। उससे पहले आप एक क्वेश्चन बताओ, मैंने बोला कि लाइकन जो है वो एल्गी फंजाई या एल्गी साइनोबैक्टीरिया और फंजाई का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो जो एल्गल पार्टनर है वो क्या कहलाता है लाइकन का, ये बता दो। ये जो एल्गल पार्टनर है लाइकन में, जो एल्गी वाला पार्टनर है उसको एक नाम दिया गया है, उसको क्या कहते हैं बता दो? एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकन इज नोन एज, लाइकन का जो शैवाल वाला पार्टनर है, शैवाल वाला भाग है, वो क्या कहलाता है? माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, बोथ ए एंड बी। अभी मैंने पढ़ाया था माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, तो समझ में आ गया होगा कि ये कहलाएगा फाइकोबायोंट। तो जो एल्गल पार्टनर है, एल्गल पार्टनर वो कहलाता है फाइकोबायोंट, और जो फंगल पार्टनर है, फंगल पार्टनर है वो कहलाएगा माइकोबायोंट, है ना। एल्गल पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइकोबायोंट, ध्यान से सुनना, और जो फंगल पार्टनर है उसको हम बोलेंगे माइकोबायोंट। क्या कहेंगे? माइकोबायोंट। तो पकड़ लिया आपने, चलो, तो उसी बात को यहां पे मैंने लिखा है। तो बायो इंडिकेटर की मैं बात कर रहा था, बायो इंडिकेटर जिसको जैविक सूचक कहते हैं। बायो इंडिकेटर क्या है? बायो इंडिकेटर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, जंतु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दैट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम।
वो जीव जातियां अथवा समुदाय जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को सूचित करता है। जैसे लाइकन जो है वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, लाइकन जो है वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का। जो स्टोन फ्लाइज हैं वो वाटर में ऑक्सीजन लेवल को सूचित करते हैं, वाटर में ऑक्सीजन के लेवल को सूचित करते हैं, बीओडी को दर्शाते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है पानी की। उसी प्रकार जो मॉसेस हैं, ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं पौधे, वो एसिडिटी को बताते हैं, सॉइल की एसिडिटी को बताते हैं, क्योंकि ये एसिडिक सॉइल में ही ग्रो होते हैं, एसिडिटी ऑफ सॉइल, है ना। तो बायो इंडिकेटर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को इंडिकेट कर देते हैं, जैसे कि आपका लाइक एक नहीं ले करती है पॉल्यूटेड वाटर में, बिल्कुल सही फरमाया आपने। केमिस्ट्री की क्लास जब भी होगी तो वही 11 बजे से ही होगी, रोज मेरी क्लास होती है, तो इसी में अब हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अभी पहले एक किंगडम मोनेरा में बता दूंगा, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये देखिए जैसे ड्राई कंडीशन है, बिल्कुल पत्थर है, ये पेड़ की छाल है, ये भी डेड हो जाती है तो नमी नहीं रहती, तो यहाँ पे जो एल्गी है वो फंजाई के साथ इस तरह से रिलेशन बना लेगा और ये बन जाएगा आपका लाइकन, ये सब लाइकन को शो कर रहा है। अब एक होता है माइकोराइजा, माइकोराइजा भी क्या है, सिंबायोटिक एसोसिएशन है, किसके किसके बीच, माइकोराइजा इज द सिंबायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सो कवक एवं विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच, विशाल वृक्ष के जड़ के बीच जो सहजीविता का संबंध है उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो लाइकन क्या हो गया, याद रखेंगे लाइकन क्या हो गया, एल्गी और फंजाई के बीच सहजीविता का संबंध। माइकोराइजा क्या हो गया, माइकोराइजा क्या हो गया, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच सहजीविता का संबंध। आपने एक और संबंध सुना होगा, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट प्लस राइजोबियम, राइजोबियम और दलहनी पौधों के जड़ों के बीच सहजीविता का संबंध, उसको कोई नाम नहीं दिया गया लेकिन वो भी सहजीविता ही। अब इसमें क्या होता है कि फंजाई जो है वो पौधे को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है और बदले में प्लांट इसे क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है जी। तो कवक इसे एब्जॉर्ब करके क्या दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, बदले में पौधा इसे न्यूट्रिशन दे रहा है, तो ये संबंध जो है वो माइकोराइजा कहलाता है। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन द फंजाई आर क्लासिफाइड इन टू, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार जो फंजाई है वो कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है, 1 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में, जल्दी बता दीजिए। मैटर से, ठीक है मैटर ही स्टार्ट करेंगे, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन द फंजाई आर क्लासिफाइड Which one? क्या बात है, सभी लोगों का सही उत्तर आ रहा है। मैंने बोला कि फंजाई हो सकता है पैरासाइटिक, फंजाई हो सकता है सैप्रोफाइटिक, या फंजाई हो सकता है क्या सिम्बायोटिक। एल्गी के साथ रिलेशन बना लिया तो सिम्बायोटिक, तो 3 मोड है न्यूट्रिशन के। 3 कैटेगरी में फंगस को डिवाइड किया गया है, बहुत खूब। कौन कौन, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, ये 3 तरह के हो सकते हैं।
कुछ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, कुछ सेप्रोफाइटिक रहेंगे, कुछ पैरासाइटिक रहेंगे। तो अब आ गया पूरा खुल के मामला फंगस के बारे में। चलो, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? 3 टाइप्स, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और क्या, सिम्बायोटिक। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि फंगस से जो भी क्वेश्चन होंगे अब आपसे बन जाए। तो कुछ फंगस पैरासाइटिक होंगे, कुछ फंगस जो है वो सेप्रोफाइटिक होंगे और कुछ फंगस सिम्बायोटिक होंगे। सिम्बायोटिक होंगे, समझ में आया? तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको फंगस में। किंगडम मोनेरा हम कल देखेंगे और मोनेरा के बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री पे। बहुत ही आसान टॉपिक केमिस्ट्री। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच अरस, सुमेध, अस्मिता शुक्ला, वेलकम अनु। कोई डाउट किसी का? नो, प्रशांत कह रहे नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर लाइक ए स्प्राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।